जब चारों ओर कोरोना संक्रमण का हाहाकार मचा है और कई प्राइवेट डॉक्टर व नर्स अस्पताल में जाने से डर रहे हैं, वहीं ठीक इसी वक्त में बदनावर में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके कारण इस बुरे वक्त में भी मानवता मुस्कुरा उठी है। बदनावर के छोटे से गांव गाजनोद में रहने वाली निर्विका शर्मा अस्पताल में कोविड ICU सेंटर में निःशुल्क सेवा दे रही है। दादाजी को कोरोना हुआ तो आई थी अस्पताल, स्टाफ की कमी देखी तो खुद सेवा देने लग गई। ग्राम गाजनोद के निर्विका शर्मा बदनावर में कई लोगों की जिंदगी बचाने का कार्य कर रही हैं। उसके पिता नवीन शर्मा शिक्षक हैं और ग्वालियर में BHMS की पढ़ाई कर रही निर्विका के 77 वर्षीय दादाजी मनोहर लाल शर्मा के फेफड़े 80% संक्रमित हो गए थे और क्रिटिकल कंडीशन के बाद उन्हें बदनावर कोविड ICU में भर्ती किया गया। यहाँ पर निर्विका भी उनकी देखरेख करने लगी और उसे अस्पताल में दो चिकित्सकों और परिचारकों की सकारात्मक और हिम्मत देने वाली प्रतिक्रियाओं ने काफ़ी प्रभावित किया। वो खुद भी दादाजी की हिम्मत बढ़ाती रही, सकारात्मक सोच और चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई और उसके दादाजी ने कोरोना पर विजय हासिल कर ली। अस्पताल में रहने और अपने दादाजी को ठीक होते देखने से उसकी सोच बदल गई, मानो उसे इस संकट काल में अपनी भूमिका और उद्देश्य पता चल गया हो। अस्पताल में डॉक्टर्स व स्टाफ की कमी देखी फिर निर्विका ने ठान लिया कि जब वो खुद चिकित्सा विज्ञान की छात्रा है तो उसे भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। BMO एवं कोविड प्रभारी डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव से अनुमति प्राप्त कर वो कोविड ICU में एक माह से निशुल्क सेवाएं देने लगी। डॉक्टर अजय पवार ने भी उनकी हौसला अफजाई की है। वे कोरोना संक्रमित मरीजों को अपने दादाजी का उदाहरण देकर बताती हैं कि 77 साल के उम्र के 80% संक्रमित होकर जब वे कोरोना से जंग जीत सकते हैं तब मुझे उम्मीद है कि आप भी आसानी से कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ICU सेंटर में रहकर कोरोना मरीजों की करती है सेवा निर्विका। हर कोरोना संक्रमित मरीज को मुस्कुराकर उनकी हिम्मत बढ़ाती है और छोटी सी उम्र में ही पूरी निष्ठा के साथ खुशियां बांटती हुई मरीजों की सेवा कर रही है। निर्विका का कहना है कि जब पीड़ित मरीज चिकित्सकों की मेहनत से अच्छे हो जाते हैं तो उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग भी घर पर रहकर ही कई लोगों की मदद कर सकते हैं। घबराहट और भय न बढ़ाकर लोगों में सकारात्मक ऊर्जा, हिम्मत और खुशियों का प्रसार कीजिए। काम कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे दादाजी एडमिट थे जिनको 80% कोरोना हुआ था, उनके लंग्स में 80% इन्फेक्शन निकला था। जब वो यहाँ पे एडमिट थे तो मुझे उन्हें देख के ऐसा लगा यहाँ पे सब लोग कितने सपोर्टिव है, सब लोग इतनी सबकी हेल्प करते हैं। और जब मैंने बीच में कर ही रखा था तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी यहाँ पे काम कर लेना चाहिए। तो संदीप सर और अजय सर की हेल्प से मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग मिली है और मैं यहाँ पे काम करने लगी हूँ। यहाँ का स्टाफ और यहाँ पे सारा जितने भी मेंबर्स से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मोस्ट मैक्सिमम पेशेंट यहाँ से सही होकर ही निकलते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर है यहाँ पे कोविड के पेशेंट के सही होने का भी। और मुझे भी यहाँ पे काम करके काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ग्वालियर से BHMS कर रही हूँ तो मुझे भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये सीखने के साथ साथ मैं यहाँ पे हेल्प भी कर देती हूँ और इससे मेरा नॉलेज भी बढ़ता है और मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है यहाँ पे के। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बदनावर से गजानन पाटीदार की रिपोर्ट।